बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं क्या, कार्डियक साइकिल का रेगुलेशन। कार्डियक साइकिल आपने लास्ट वीडियो सेशन में देखा होगा, मैंने उसमें बहुत सारे इवेंट्स बताए थे, वो सारे इवेंट्स जो है कैसे रेगुलेट होंगे ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए नर्वस सिस्टम का और एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम का जो यहाँ पे जरूरत है वो आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और इवन आपने एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा है क्लास 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, क्लास 10th में नर्वस सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है CNS और सेकेंड जो पार्ट होता है वो है PNS। ठीक है, CNS में फर्दर डिविजन है, CNS का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जब आप हार्ट की एक्टिविटी पढ़ेंगे तो हार्ट की एक्टिविटी में आप CNS का हिंड ब्रेन और हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगेटा यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ CNS। ठीक है, तो आप समझिए CNS का पार्ट क्या है, CNS का पार्ट ब्रेन है, और ब्रेन का पार्ट क्या है, हिंड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन का पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा है। तो ये जो आपका मेडुला ऑब्लिगेटा है ये हार्ट की एक्टिविटी को या कार्डियक एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये पॉइंट पकड़ लीजिए आप। ठीक है, इसको आपको नोटिस करना होगा, इसको नोट करना होगा। ठीक है, देन एक और टर्म है, वो भी पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या है, PNS। ठीक है, वो क्या है, PNS। और PNS में दो पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है ANS, ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक है SNS दैट मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बोथ आर पार्ट ऑफ PNS। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ANS एंड SNS ये दोनों किसके पार्ट हैं, दोनों पार्ट हैं PNS के। ठीक है, तो यहां पे ANS इन्वॉल्व होना है। ठीक है, यहां पे ANS इन्वॉल्व होना है क्योंकि ANS क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। बट जो मेजर होगा वो कौन होगा, मेडुला ऑब्लिगेटा, और मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये जो हिंड ब्रेन का जो पार्ट मेडुला ऑब्लिगेटा है ये ANS के हेल्प से, ANS इज अ पार्ट ऑफ PNS। ठीक है, इसके हेल्प से क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, आपको ये चीजें क्लास 10th में आपको पता होगा कि PNS CNS क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, ये आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, देन अब आते हैं 10th, क्लास 10th का एक और पॉइंट है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप हार्मोन की स्टडी करते हैं, जिसमें आप हार्मोन की स्टडी करते हैं, और हार्मोन्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पे भी क्या इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ पे भी हार्मोन इन्वॉल्व होने वाला है, और हार्मोन क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको थोड़ा सा रीडिंग करना होगा तभी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है इसमें नर्वस सिस्टम का थोड़ा डीप जानना होगा, और एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम का भी थोड़ा सा डीप जानना होगा। और जैसे ही आप इन दोनों चीजों को समझ जाएंगे देन ये टॉपिक इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूँ इस फ्लो चार्ट पे, और इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप फिर से स्टार्ट कहां से करेंगे, मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, और आपको पता है हिंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ CNS। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, किसके हेल्प से करेगा, ANS के हेल्प से करेगा, ANS इज अ पार्ट ऑफ PNS। ठीक है, ANS के दो फर्दर पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। ये दो पार्ट है, बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपको क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि ये जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, दैट मीन्स कि ये हार्ट बीट को ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन स्ट्रेंथ ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको ये तो पता है कि हार्ट के जो नीचे के दोनों चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब कि
प्रेशर के साथ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है आपका, हेल्प कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं देयर बाई द कार्डियक आउटपुट, दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट रेट इंक्रीज हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हुआ, और एज वेल एज कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये किससे होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होगा। और जो सेकंड पार्ट है एएनएस का वो है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करने वाला है इसको भी समझने की जरूरत है, ठीक है। ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये भी समझने की जरूरत है। और ये जो है जो भी कुछ करेगा जस्ट इसका अपोजिट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी आपने अभी यहाँ पे देखा उसका जस्ट अपोजिट पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे करने वाला है। और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जस्ट अपोजिट है सिंपैथेटिक का, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट के लिए किया उसका जस्ट अपोजिट पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करेगा, एज वेल एज स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो आपको पता है ना कि जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कॉन्ट्रेक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि एक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डीपोलराइजेशन इवेंट्स, और डीपोलराइजेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट के चैम्बर्स का। तो हार्ट के चैम्बर्स का जब कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका हार्ट बीट रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। एज वेल एज कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट के बारे में मैंने बताया था, इसका प्रॉपर मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, ठीक है। तो वो जो कार्डियक आउटपुट है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने देखा है यहाँ पे, ये देखा कि कैसे सीएनएस और पीएनएस जो है दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इन्वॉल्व होने से क्या हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट था, हार्ट के रेगुलेशन के लिए, हार्ट की एक्टिविटी के रेगुलेशन के लिए। जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर हार्मोन्स बता रहा हूँ जो आप शायद जानते होंगे, आपने सुना होगा एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन, ठीक है। एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन ये जो हार्मोन है ये दोनों एक ही चीज हैं, और ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हार्ट बीट रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं, और ये कहाँ से एक्चुअली में रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, एड्रेनल ग्लैंड जो है इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और एड्रेनल ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक पर्टिकुलर हार्मोन जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन, ठीक है, और एपिनेफ्रिन, बोथ आर सेम थिंग, और ये क्या करेंगे, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देंगे, हार्ट बीट रेट को ये इंक्रीज करेंगे। और इस तरीके से हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्ट बीट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, या आप बोल सकते हैं कार्डियक एक्टिविटी को ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, बेटर जो वर्ड है यहाँ पे रेगुलेट वर्ड है। रेगुलेशन से क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि ये डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए आप रेगुलेशन टर्म यूज करते हैं, ठीक। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मैंने बताया, और इसमें यह बताया कि कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होकर कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। रेगुलेशन टर्म थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, रेगुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, ठीक है, मतलब कि कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी आपके बॉडी में एक्टिविटी हो रहे हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट जो करता है वो नर्वस सिस्टम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम करता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स को कंपेयर कर देता है एंजाइम से, तो जब आप एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन से जब कंपेयर करेंगे एंजाइम को तो दोनों में डिफरेंस है। एंजाइम एक कैटलिस्ट है जो ऑलवेज क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा, जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनकी एक्टिविटी को एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दैट मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू नीड ये इंक्रीज भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड ये डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना होगा जब आप एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन जब स्टडी करेंगे, हार्मोन का इफेक्ट जब हार्ट की एक्टिविटी पे देखेंगे, तो ये चीज आपको समझ के चलना होगा, ठीक है।